नमस्कार, आप सबका मधु की रसोई में स्वागत है। आज हम मधु की रसोई में हिमाचली रेसिपी सचोलू बनाने जा रहे हैं। सचोलू इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको सांचे में बनाया जाता है और कई जगह इसको मिठड़ू या कुकू भी बोला जाता है। सचोलू में लगने वाली सामग्री है एक कटोरी बड़ी कटोरी आटा, जितना हम आटा लेंगे उसका आधा हमने पीसी हुई चीनी लेनी है, एक बड़ा चम्मच घी, एक छोटी कटोरी कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल गरी, एक बड़ा चम्मच मोटी सौंफ, आधा चम्मच ड्राई एक्टिव ईस्ट, एक गिलास दूध हल्का गरम और बनाने के लिए सांचा। सबसे पहले हमने एक बर्तन लेना है, उसमें हमने आटा डाल देंगे, सौंफ डाल देंगे, कद्दूकस की हुई गरी यानी सूखा नारियल, ईस्ट, पिसी हुई चीनी, इन सबको हमने अच्छे से मिलाना है। फिर घी, एक मिनट तक हमने इसको मसलना है ताकि घी अच्छे से आटे में मिल जाए। आटे को लगातार मसलते हुए एक मिनट हो गया है, अब इसमें हमने दूध डालते हुए गूंदना है धीरे धीरे। दूध का हमने इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दूध में बने हुए सचोलू नरम होने के साथ टेस्टी भी बनते हैं। सचोलू का आटा तैयार हो गया है, अब हमने इसको ऐसे ही डेढ़ घंटे के लिए ढक के गर्म जगह पे रख देना है। आटे को रखे हुए डेढ़ घंटा हो गया है और साथ ही हमने तेल भी रख दिया कढ़ाई में गर्म होने के लिए। जब तक तेल गर्म होता है तब तक हम सांचे में सचोलू बनाकर रख लेंगे। उसके लिए हम थोड़ा पहले भून लेंगे। ऐसे हमने सांचा लेना है, उसमें हमने तेल लगाना है, इससे चिपकेंगे भी नहीं और बहुत अच्छे बनेंगे। सूखे आटे का इस्तेमाल हम इसलिए नहीं करेंगे, उससे क्या होता है तेल जिंदा हो जाता है। इसको हमने अच्छे से तेल लगा लिया। एक लोई लेंगे हम, थोड़ा सा प्रेस करेंगे और फिर सांचे भी बीच में ऐसे रखकर फिर हमने इसको हल्के हाथ से दबा देना है। ऐसे हमने बाकी भी बना लेंगे। सचोलू जिसे मिठड़ू और कुकू भी कहते हैं, इसको हिमाचल में शुभ अवसर पर बनाया जाता है, जैसे कोई त्योहार हो, फिर शादी या जन्मदिन, तो उसमें बनाना बड़ा शुभ माना जाता है।
तेल गर्म हो चुका है, हमने रिफाइंड तेल लिया है, आप चाहे तो सरसों के तेल में या घी पे भी बना सकते हैं। आंच को कम कर देंगे हम। चोलू भी सांचे से हमने बना लिए हैं, अब हमने उनको तेल में डालना है। इसको कम आंच में इसलिए पकाएंगे क्योंकि ये बाहर से तो पकी जाए, साथ ही अंदर से भी अच्छे से पक जाए। अब हमने पलट देना है। दोनों तरफ से पलटते हुए हमने इनको पका लिया है, अब हम तेल से निकाल लेंगे। हिमाचली रेसिपी सुचोलू बनके तैयार है। इसे आप घर पे जरूर बनाएं, आपको जरूर पसंद आएंगे और इसे चाय के साथ खाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। और यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है आप तक पहले पहुँच सके।